क्या गुजरात में चलेगा यूपी के सीएम योगी का जादू? आखिर गुजरात में योगी को क्यों उतार रही है बीजेपी? 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बीजेपी ने कई राज्यों में अपना विजय पताका फहराया है, लेकिन इस साल के अंत में होने वाले गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी का गृह प्रदेश होने के बावजूद इस बार यहां बीजेपी की जीत की राहें मुश्किल दिख रही हैं। सूबे में बीजेपी पहले से ही पटेल आरक्षण आंदोलन और दलित की नाराजगी से परेशान थी। ऊपर से रही सही कसर नोटबंदी और जीएसटी ने पूरी कर दी। असल में देश में सबसे ज्यादा कारोबारी इसी राज्य से आते हैं। जीएसटी की वजह से यहां कारोबार को काफी बड़ा नुकसान हुआ। क्या यूं कहें कि जीएसटी ने यहां के कारोबारियों की कमर तोड़ कर रख दी? शायद यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर से अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटकर चुनाव जीतना चाहती है, और इस मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ से बढ़िया नेता कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि योगी की पहचान एक युवा हिंदुवादी नेता की है। उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, एक खास वर्ग के वोटरों पर योगी की जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में योगी के जरिए बीजेपी उन वोटरों तक अपनी पहुंच बना सकती है। आपको बता दें कि साल 2002 और साल 2007 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहा, तो वहीं 2012 में मोदी ने विकास की बात की। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी ने गुजरात के विकास को मॉडल की तरह पेश किया और उसकी मदद से दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गए। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने इस बार बीजेपी की हवा निकाल कर रख दी है। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए सूबे में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना दिया है। ऐसे में गुजरात चुनाव में बीजेपी का ये योगी कार्ड क्या गुल खिलाएगा, चुनाव में योगी का जादू चलेगा या नहीं, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।